दोस्तों हम चले ड्यूटी लोको पायलट जॉब के ब्लॉग में। बाबू मैं जा रहा हूँ ड्यूटी। जाऊँ? देख तो ले। आज सुबह अपने खेल में व्यस्त है और हम चलते अपनी ड्यूटी। हमें कॉल आ गई थी, हम नहा धो के तैयार होके खाना पीना खाकर अपनी गाड़ी को लेकर निकल गए हैं ड्यूटी के लिए। आज आपके कई सारे सवाल क्लियर होंगे। पहली चीज, हमने साइन ऑन किया, उसके बाद हम पैसेंजर ट्रेन में बैठे और चल दिए। बहुत से लोग पूछते हैं कि आप लोग का टिकट लगता है कि नहीं, क्या हिसाब होता है। देखो दोस्तों, हमें जब भी कहीं पर भेजा जाता है ड्यूटी की तरफ से या फिर हम ड्यूटी करके वापस आते हैं तो हमें को पास दिया जाता है, ठीक है। उस पास को लेकर हम वैलिड हो जाते हैं, एक तरह से वो हमारा टिकट हो जाता है, ठीक। हम अपनी पैसेंजर ट्रेन में बैठ के जा रहे थे, इंडिया ऑस्ट्रेलिया का मैच चल रहा था जिसमें इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया की हालत ख़राब कर दी थी। वो देखते देखते हमने टाइम काट लिया। वैसे तो हमारी पैसेंजर बहुत लेट थी। 9 बजे के आसपास हम उस स्टेशन पर आ गए थे जहां पर हमें भेजा गया था। वहां पर हमने साइन ऑफ किया, रनिंग रूम आए, हाथ मुंह धोए और बेड पर लेट गए। हमें पता था थोड़ी देर में हमारे क्या है दोस्त लोग आने वाले हैं। अब आपका दूसरा सवाल, बहुत से लोगों का सवाल रहता है रनिंग रूम से लेकर कि वहाँ पर खाने का कैसे इंतजाम होता है। दोस्तों रनिंग रूम में हमेशा ही दो ऑप्शन होते हैं। पहला ऑप्शन, आपको जो खाना बनवाना है आप उसका सामान दे दीजिए, आपका खाना बन जाएगा। दूसरा ऑप्शन, वहाँ पर बना बनाया जो मिलता है उसके 5 रुपये, 2 रुपये, 1 रुपये इस तरह की पर्ची कटती है और आपको वो खाना मिल जाएगा। पर फिलहाल हमारे दोस्त आ गए थे, हम अपने दोस्तों के साथ हम पहुंच गए बाजार। बाजार में सबसे पहले हमने खाया गोलगप्पे। ये देखो, एक दोस्त हमारा इतना मोटा, दूसरा दोस्त हमारा इतना पतला, सुकड्डी बिल्कुल। गोलगप्पे वगैरह खाने के बाद जिद हुई कि भाई साहब पनीर खाया जाएगा। हमने पनीर लिया और सही बता रहा हूँ, किसी पे नहीं खाया गया। थोड़ा कम अच्छा भी था और हमारा पेट भी भर गया था। इसके बाद हम दारू तो पी नहीं सकते है ना, तो हमने सोडा पीकर सोचा दारू वाली फीलिंग ले लें। इसके बाद हम आ गए रनिंग रूम, क्योंकि हमें सोना भी जरूरी है, ड्यूटी करनी है सुबह सुबह। तो हमने भाई साहब अपनी मच्छरदानी वगैरह लगाई, मामला सेट किया, एसी चल रहा था, चादर तानी और सो गए। और दोस्तों अब सुबह का टाइम हो चुका है। अपने मेकअप बॉक्स में से सारा सामान वापस रख के पहले कोलगेट ब्रश निकालते हैं, उसके बाद अपने नहाएंगे धोएंगे, ब्रश कर लेते हैं, फ्रेश हो जाते हैं। नहाने धोने के बाद अपने को खाना खाना है क्योंकि हमारी ड्यूटी लग गई है। ये देखो, नहा धोकर बैठे हुए हम लोग और हमारा दोस्त भी अब उठा है, इतनी लेट उठा है ये क्योंकि इसके अभी तक ड्यूटी नहीं लगी थी, अब मेरी ड्यूटी लग गई थी। तो सुकट्टी राम भाई साहब अभी यहीं बैठे हुए हैं और देखो इसके हाथ, जरा देखो। खाने की मैंने आपको बताया था, सुबह सुबह नाश्ते में ज़्यादातर आलू के पराठे होते हैं ज़्यादातर रनिंग रूम में, साथ में दही चाय या छोले या आलू की सब्जी भी होती है बहुत बार, अचार चटनी ये सब होता है। हमारे फिलहाल हमारे यहाँ 1 रुपये की पर्ची कटती है खाने की। इसके बाद तैयार हो गए थे हम, बैग सेट कर लिया था, खाना पैक करा लिया था, बोतल पानी की भर ली थी, अपने आप को शीशे में निहार लिया था। अब हम चल दिए हैं ड्यूटी की तरफ है ना, यानी रनिंग रूम से अपनी लॉबी की तरफ जहां पर हम साइन ऑन करेंगे। इसके बाद पहुंचेंगे अपनी गाड़ी पर। दोस्तों गाड़ी की हालत देखो, आज WAG 9 है नाम के लिए, तो पर जरा इसकी सीट की हालत देखो है ना, साइड बीच में से तो सही है पर ये साइड में इसमें ना लोहे के पाइप से पड़े रहते हैं, बैठ के चुभते हैं। दूसरी चीज, अब क्या बताऊं मैं इन बारे में, चलो ये तो कोई नहीं। फिलहाल आज हमारे लोगों में एसी नहीं है और हमारी गर्मी में खूब हालत ख़राब होने वाली है, क्योंकि आज सूर्य देवता भी बहुत गुस्से में लग रहा है कि आज सारी ही गर्मी फेंक देंगे, क्योंकि एक दो दिन में बारिश थी तब तो वो निकल नहीं पाए, तो आज सारे सूर्य की जो तपिश है वो हमें देखने को मिलेगी। हमने अपने इंजन वगैरह, गाड़ी वगैरह सब चेक कर ली है, बहुत देर हो गई हमें यहाँ बैठे बैठे पर हमारी गाड़ी चलने का नाम ही नहीं ले रही। बहुत इंतज़ार करने के बाद भी दोस्तों हमारी गाड़ी अभी नहीं चली है, साइड की गाड़ियां चला दे रहे हैं, साइड से जो खड़ी थी वो भी चला दी, एक आध और निकाल दी और हम लोग अभी भी बैठे हुए हैं। मालगाड़ी के पीरियड में देखो दोस्तों यही होता है, लोको पायलट में जो मालगाड़ी का पीरियड होता है आपको सिर्फ यहाँ पर एक चीज़ सीखनी होती है कि खुश कैसे रहना है। 4 घंटे मान लो आपको खड़ा कर दिया, अब 2 लोग होंगे, एक इस तरह के लोग होंगे जो उस 4 घंटे में दूसरे को कोसते रहेंगे, अरे खड़ा कर दिया, परेशान कर दिया, ये कर दिया, जबकि एक इस तरह के लोग भी होंगे कि उस 4 घंटे में अपने आप को इन्जॉय करेंगे, घूमेंगे फिरेंगे, बैठेंगे, कुछ खेल लेंगे है ना, एक्सरसाइज कर लेंगे, आराम कर लेंगे। तो फिलहाल अभी हमारी गाड़ी चला दी थी और यहाँ पर हमें ला कर फिर खड़ा कर दिया, अब एक स्टेशन पर हमें खड़ा कर दिया और अब हम लेने पहुँच गए हैं चाय। 12 बज गए हैं देखो इस समय, और यहाँ पर मैं इस समय चाय लेने आया हूँ। लोको पायलट जो हमारे हैं वो बहुत कम मीठे की पीते हैं, तो हम भी कम मीठे की पी लेंगे है कि नहीं। तो यहाँ पर हम चाय की पैकिंग के अलावा, मन तो था गर्मी में कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीने का पर कल रात भी उल्टा सीधा खाना खाया था, तो अभी कोल्ड ड्रिंक वगैरह नहीं पियेंगे, यहाँ से चाय लेके चलते हैं। और हमें स्टेशन मास्टर से पूछ के आते हैं हमेशा
कि भाई साहब कितनी गाड़ियां पास कराएंगे, तो उन्होंने बताया दो तीन गाड़ी पास होंगी, दो तीन गाड़ी का मतलब है आधा पौन घंटा हमारा लग जाएगा। तो चाय के साथ मैंने ले लिए दो मटरी, दो चाय पैक करा ली कुल्लड़ में, दो ले लिए मैंने मटरी। अब चलते हैं वापस से अपनी गाड़ी में, और आज गर्मी है ही और लोको में और गर्मी हो रही है। मैं आपको बताऊं, इंजन में ये हालत है कि पसीने चू रहे हैं हमारे शरीर से, फिर भी देखो हम लोग चाय पी रहे हैं। अब ठंडा ठंडे इस मौसम में ऐसा ही होता है, ठंडा पी लोगे तो खांसी हो जाती है और मेरे हो भी रही थी हल्की फुल्की। तो चलो अब अपने इंजन में बैठ के अपनी चाय मटरी को एंजॉय करते हैं। और भाई लोग, अब हमें फिर से चला दिया गया था और हमें फिर से एक स्टेशन पर खड़ा कर दिया। मालगाड़ी में ये तो देखो चलता ही रहता है, चलाना रुकना चलाना रुकना, ये सब चलता रहता है। तो खड़े होकर हमें एक मिला सरकारी नल, हाथ मुँह धो लिए हैं, टॉयलेट भी कर ली यहाँ पर, और बढ़िया छाँव है यहाँ पर पेड़ के नीचे, हम छाँव में ही खड़े हुए हैं, बैठ गए हैं, खड़े गए हैं बैठ गए हैं, है ना भाई। अंदर तो बहुत ही ज़्यादा गर्मी थी, हालत ख़राब थी। और ये देखो गाड़ी पास करा दी है, वैसे तो सही बताऊँ तो कई गाड़ियाँ पास हो गई, दो तीन गाड़ी पास हो गई। और अब दोस्तों इतनी मतलब हमें सही बताऊँ तो हम सिर्फ अब तक 40-50 किलोमीटर चले हैं और इस बीच में हमें 5-6 घंटे लग गए हैं। अब हम पहुंच गए उस स्टेशन पर जहां पर हमको पहुंचना था। बज रहे हैं देखो दो, हमारा साइन ऑन शायद था 9 बजे का और अब 2 बज रहे हैं, यानी 5 घंटे में हमने 50 किलोमीटर की दूरी तय की और अब हमने सुरक्षित अपनी गाड़ी पहुंचा दी जहां उसको पहुंचाना था। अब हम फ्री हो गए, अब हमको चलना है कहां पर, हमको चलना है अपने घर पर। तो हमने एसी ट्रेन में देखा सीट, टीटी से पूछा, ऊपर की एक सीट खाली थी, हम वहां पहुंच गए। ऊपर ज़्यादा ठंड रहती है एसी की, तो सिकुड़े रहते हैं बिल्कुल ऊपर, 3:30 बज रहे हैं देखो। और अब इसकी धुड़ुक धुड़ुक सुनेंगे, कान में ईयरफोन लगा लिए हैं, देखते हैं पिक्चर या कोई रील। अब हमारा स्टेशन आने वाला है बैठे बैठे, इसलिए अभी हम नीचे आ गए हैं। देखो अब साइन ऑफ हमने कर दिया है, अब हमारा काम किया है अपनी गाड़ी लेकर सीधे घर पहुंचना और घर पे मजे करना, है ना। इस नौकरी में एक फ़ायदा बताऊं आपको, साइन ऑफ करने के बाद ना बिल्कुल टेंशन फ्री होते हैं। दूसरी नौकरियों में क्या होता है, फाइल बनाओ, ये कंप्लीट करो, ये वो वर्क कंप्लीट करो, लोको पायलट की नौकरी में कुछ नहीं। आपने गाड़ी पहुँच बाहर और मौज लेंगे, देखेंगे भाई साहब क्या चल रहा है मामला, मोबाइल में कोई पिक्चर देखते हैं और आप सब भी मजे करो, बाय।